हेलो एम वैशाली आज मैं फिर एक नया चैप्टर लेकर आई हूं न्यूमेरिकल एनालिसिस में जिसमें मैं ऑलरेडी आपको फाइनाइट डिफरेंसेस का चैप्टर पढ़ा चुकी हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नेक्स्ट हमने सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस भी थॉरोली कर लिया है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके बाद हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस का चैप्टर भी कर लिया है अब ये फोर्थ चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरपोलेशन का और बहुत ही इजी चैप्टर है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन के मीनिंग से इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन का मींस इंटरपोलेशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट वैल्यूज के बारे में बात करना ठीक है अब समझते हैं यहाँ क्या दिया गया है इज मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग द वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन फॉर ए इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फॉर ए सर्टेन वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नोन एज इंटरपोलेशन सो यहां यह दिया गया है कि आपको पता है एक्स अगर एक, एक आर्ग्यूमेंट है तो एफ एक्स उस फंक्शन है उस आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में फंक्शन एफेक्स है कुछ हमें x की वैल्यूज दी गई हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ फंक्शंस की वैल्यूज भी दी गई हैं। यहां ये कहा गया है कि इंटरपोलेशन एक ऐसा मेथड है इंटरपोलेशन की मदद से हम किसी भी मिडिल वैल्यू इसके अलावा यहां पे कोई एक मिडिल वैल्यू अगर लाई करती है या यहां पे कोई एक मिडिल वैल्यू अगर लाई करती है उन मिडिल वैल्यू के, के फंक्शंस की वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ गिवन आर्ग्यूमेंट्स एंड गिविन फंक्शन में जो इंटरपोलेशन का चैप्टर है उसको मैंने इस तरीके से थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया है पहले में हम लोग पढ़ते हैं इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स जबकि हमें आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यू दी गई है वो इक्वल इंटरवल्स में दी गई है ठीक है आर्ग्यूमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल में दिए गए हैं इंटरपोलेशन विद अनवल इंटरवल्स इसका मतलब कि जो हमें आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज दी गई है वो अन इक्वल इंटरवल्स में दी गई है ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जब हमें फाइंड करना हो इंटरपोलेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला ओके तो वो इंटरपोलेशन कहलाता है आपका सेंट्रल डिफरेंस इंटर सो so, सबसे पहले वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स के बारे में जिसमें दो मेथड कवर होते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के नाम से फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो मेथड है उसको न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स कहा जाता है बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जो फार्मूला है उसको न्यूटर्न ग्रीगोरी फार्मूला या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी कहा जाता है इसके बाद इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स में जो हम दो मैथर्स स्टडी करते हैं उसमें पहला होता है आपका लेग्रांस इंटरपोलेशन मैथड और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मैथड इसके बाद जो हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला के रिस्पेक्ट में इंटरपोलेशन पढ़ते हैं उसमें हम चार मैथड पढ़ते हैं जो गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल फार्मूला न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड फार्मूला क्या है ओके okay. सो so, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं आपको पता है कि अगर एक्स कोई आर्ग्यूमेंट है उससे रिलेटेड जो फंक्शन वैल्यू होगी वो एफ एक्स होगी एफ एक्स को हम वाई विथ सबस्क्रिप्ट एक्स भी कह सकते हैं ना दोनों सेम ही है तो वही डिफरेंस यहां फॉर्मूलाज में है दोनों फार्मूलाज सेम है बट रिप्रेजेंटेशन एक एफ एक्स के टर्म में है और एक वाई एक्स के टर्म में है. अगर हमें टर्म फाइंड करनी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ब्रैकेट में ए प्लस पी एच आर्ग्यूमेंट के टर्म से ठीक है क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में फंक्शन फाइंड करेंगे तो ये भी क्या है एक आर्ग्यूमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ठीक है तो जो आपको फाइंड करने को कहा जाएगा वो आर्ग्यूमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहां पे ठीक है तो ये आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया सबसे पहले यहां लिखा गया है एफ ए दैट मीन्स पहली टर्म क्योंकि फॉरवर्ड के बारे में बात की गई है तो हम फर्स्ट सेल स्टार्ट करेंगे सो एफ एकेल पी अपॉन वन फैक्टोरियल डेल्टा एफ ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस सो ऑन इस तरीके से इसका फॉर्मूला है ए रिप्रेजेंट करता है आपके पहले आर्ग्यूमेंट को एच रिप्रेजेंट करता है आपके डिफरेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट को okay. तरीके से हम इसको यहां लिख सकते हैं वाई सब्सक्रिप्ट में ए प्लस एच यू फर्स्ट टर्म वाई ए यू देखिए यू पी को यहां रिप्रेजेंट रिप्लेस किया है यू से यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल्टा वाई ए यू टू इसको ठीक है ना तो इसको हम यू एन को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ मैंने दिखाया है u u माइनस वन यू माइनस टू सो ऑन u माइनस एन प्लस वन तो इसी तरीके से यहां पे मैंने ओपन करके इन टर्म्स को लिखा है यहां ये क्लोज फॉर्म में ही है अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई ये आई होप आप एक बार इसको देख के अपने बुक्स में लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपको फाइंड करना है फंक्शन की वैल्यू किस आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में वन एट नाइन टू आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज दी गई हैं ओके सो so, सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे ईयर ओके इन्स वन नाइन एट वन वन नाइन एट थ्री वन नाइन एट फाइव वन नाइन एट इसके ये क्या है एक्स अगर आप समझें और ये हमारा है एफ एक्स या इसको आप वाई एक्स भी समझ सकते हो सेम ही बात है तो मैं यहाँ पे एफ एक्स और वाई एक्स इस तरीके से लिख दे रही हूँ ओके okay, सो so ये है हंड्रेड ये है वन टू फाइव दिस इजी सेवन और यह फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई एक्स होल स्क्वायर फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब वाई एक्स इस तरीके से आप यहां लिखेंगे फाइंड करने का तरीका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है इस टेबल को एक्सप्लेन करते हुए ठीक है तब भी मैं आपको बता देती हूँ तो टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 125 ट्वेंटी फाइव माइनस हंड्रेड आप इन दोनों के बीच में यहां लिखेंगे 25, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लिखेंगे इन लिखोगे वन फिफ्टी वन माइनस वन थर्टी सेवन तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 14 इसी तरीके से जब आप सेकंड ऑर्डर फाइंड करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे 12 माइनस ट्वेंटी तो आपको मिलेगा माइनस थर्टीन जब आप फोर्टीन माइनस ट्वेल्व करोगे तो आपको मिलेगा टू अब इन दोनों को सॉल्व करिए यहां पे लिखेगा तो टू माइनस थर्टीन इट विल बी फिफ्टीन ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता तो उन स्टूडेंट्स को बताया गया कि वैल्यूज किस तरीके से लिखी जाएंगी अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए हमें इस वैल्यूज को यूज करना होता है दैट मीन्स कि फर्स्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात की जाती है ठीक है ए की वैल्यू क्या दी गई है ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है वन नाइन एट वन वन नाइन एट वन ओके एच मतलब कि डिफरेंस ऑफ द इंटरवल्स कितना डिफरेंस है टू का डिफरेंस है तो एच का वैल्यू आपका हो गया टू इसी तरीके से हमें फाइंड करना है ए प्लस एच यू जो कि किसके बराबर है ए प्लस एच यू वो टर्म है जिसको हमें फाइंड करना है तो वन नाइन एट टू ओके okay. अब इसको सॉल्व करके हम यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सो so यू की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू लिखेंगे वन नाइन एट वन प्लस टू इंटू यू इज इक्वल टू वन नाइन एट टू सो ये यू की वैल्यू आपको आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव यू की वैल्यू आपने फाइंड कर ली जीरो पॉइंट फाइव अब हम लिखते हैं फॉर्मूला राइट न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला सो वाई ए प्लस एच यू वाई ए प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल देखिए यहाँ वाई है तो यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाई ए यू है सो यू इंटू यू माइनस वन वन फैक्टोरियल था तो टू फैक्टोरियल ओके आपको समझ में आया होगा टू यू माइनस वन यू माइनस टू टू फैक्टोरियल था तो ट्रू फैक्टोरियल फॉरवर्ड डेल स्क्वायर ए था तो डेल क्यूब वाई ए ओके अब यहां पे देखिए हमारे पास जो टर्म थी वो डेल स्क्वायर और डेल क्यूब तक की आई है तो जो हम टर्म यूज करेंगे वो डेल क्यूब वाई एक्स तक डेल क्यूब तक ही हम अपने फॉर्मूला में भी लिखेंगे So, अब यहां पे आप लिख सकते हैं y a प्लस एच यू जो कि है आपका y वन नाइन एट टू जिसकी वैल्यू मैं फाइंड करनी है y a अब मैं आपको यहाँ टेबल से बता देती हूँ y a क्या है दैट इज y a इज दिस नाइन वन नाइन एट वन इज ए सो वाई ऑफ ए इज दिस सो वाई ऑफ वन नाइन एट वन आपको समझ में आया क्या आ जाएगा हंड्रेड ए क्या था वन नाइन एट वन सो फंक्शनल वैल्यू ऑफ वन नाइन एट वन इज हंड्रेड तो यहां पे लिखा जाएगा हंड्रेड प्लस यू यू आपने अभी फाइंड करा था पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव अपॉन वन फैक्टोरियल फर्स्ट वैल्यू देखिए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ओके किसकी है वन नाइन एट वन के पास में देखेंगे आप तो ट्वेंटी फाइव मिल जाएगी आपको सो ट्वेंटी फाइव प्लस यू कितना था पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई ये डेल स्क्वायर वाइए कितना है आपका माइनस थर्टीन प्लस पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल अब यहां पे देखिए डेल क्यूब वाइए क्या है फिफ्टीन तो यहां आप लिख दोगे फिफ्टीन ओके अब इनको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं हंड्रेड प्लस पॉइंट फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव क्या बन जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओके प्लस पॉइंट फाइव इंटू ये क्या होगा माइनस का पॉइंट फाइव इंटू माइनस थर्टीन अपॉन टू फैक्टोरियल तो ये जो टर्म बनेगी मैं यहां दोबारा कॉपी कर लेती हूं तो ये जो टर्म बनेगी आपकी वो बन जाएगी वन पॉइंट सिक्स टू फाइव इसी तरीके से जब आप इस टर्म को ओपन करके लिखेंगे तो आपको टर्म की वैल्यू मिल जाएगी पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन थ्री सेवन फाइव अब आप इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी वन वन फाइव पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव और इसको हम लिख सकते हैं वन वन फाइव जो कि आपका फाइनल आंसर है ओके okay? किसका वाई वन नाइन एट टू का फंक्शन वैल्यू आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा ओके okay, और अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला y p दैट मीन्स वो टर्म जिसके बारे में आप जिसको आपको कैलकुलेट करना है y n क्योंकि ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन है तो हम यहां पे लेंगे लास्ट आर्ग्यूमेंट ओके अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y एन प्लस पी टू पी प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाई एन प्लस प्लस लिखी जाएंगे हम टेबल बना लेते हैं एक्स आर्ग्यूमेंट है वाई एक्स जो है इन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड फंक्शन की वैल्यूज है आर्ग्यूमेंट जीरो वन टू थ्री दिया गया है फंक्शन वैल्यू वन है टू है वन है और टेन है ओके okay, अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू हमें फाइंड करनी है वैल्यू वाई Forque. ओके okay, ये हमें फाइंड करना है सो वाई फोर वाई फोर अगर हम कहें तो फोर क्या है आर्ग्यूमेंट दैट मीन्स वाई एक्स या वाई एक्स या एफ एक्स आप लिखते हो सो so, एक्स की वैल्यू हुई ना सो so, एक्स कहा फोर कहा लाई करेगा लास्ट में लाई करेगा ना सो दैट मीन्स कि एंड में लाई करेगा फोर की वैल्यू तो इसलिए हम यहां पे फोर के आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है वाई एक्स की वैल्यू दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू तो यहां पे हम न्यूटर्न बैकवर्ड इंटरपोलेशन इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें लास्ट आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट करनी है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यूज में अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो और तब फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप न्यूटर्न फॉरवर्ड लगाएंगे अगर आपकी बॉटम में जो लास्ट में वैल्यूज हैं उनके आसपास में आर्ग्यूमेंट के फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप न्यूटर्न बैकवर्ड लगाएंगे ठीक है तो आपको यह समझ में आना चाहिए अब बैकवर्ड इंटरपोलेशन है तो दैट मीन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाई डिफरेंस ऑपरेटर स्क्वायर वाई अगर आगे जरूरत होगी तो फिर लिख लेंगे ठीक है ना सेम ही टेक्निक होगी टू माइनस वन वन आ गया वन माइनस टू माइनस वन टेन माइनस वन इज नाइन अब माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस टू नाइन प्लस माइनस वन इट विल बिकम प्लस क्योंकि हम माइनस ही करते हैं सो ये बन जाएगा टेन क्यूब ओके सो टेन माइनस माइनस टू इट विल गिव यू प्लस अब हमें फाइंड करना है क्योंकि फोर की वैल्यू तो हम ये वाली वैल्यूज को यूज करेंगे करना होगा पी की वैल्यू जिसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस पी एच आपको जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो दैट मीन्स एक्स एक्स हमने क्या लिया था फोर है ना तो ए प्लस पी एच आपका कितना हो गया फोर ए ए यहाँ पे डिनोट करता है लास्ट आर्ग्यूमेंट को क्योंकि ये न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला है दैट इज थ्री तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी थ्री एच दैट मींस डिफरेंस ऑफ द इंटरवल कितना है वन पुट कर दीजिए थ्री प्लस पी इंटू वन इज इक्वल टू फोर सो p इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री जिसकी वैल्यू आ गई आपकी वन सो पी की वैल्यू हो गई आपकी वन अब फॉर्मूला लिखते हैं वाई पी इज इक्वल टू वाई एन प्लस पी डेल वाई एन अब वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हो पी पी प्लस वन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाइन फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है उसको भी डेल ही कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को भी डेल ही कहते हैं लेकिन ये आपको पता है कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है फॉर्मूला हमने लिख दिया है अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसको y p लिख दीजिए या फिर इसको y x भी लिख सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं y फोर उसकी वैल्यू हम यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ p सो y वाई, वाई एन वाई एन देखिये थ्री थ्री के सामने वाली वैल्यू आपको y n देगी ना लास्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू टेन तो यहाँ पर लिख दोगे टेन प्लस p कितना था वन ओके सो वन अपॉन वन फैक्टोरियल डेल वाई एन तो वो आपको मिलेगा नाइन वन इंटू वन प्लस वन टू अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाइन आपको देकर टेन वन वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल को भी ऐसे लिख देते हैं इंटू डेल क्यूब वायन ट्वेल्व जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फोर्टी वन जो क्या होगा आपके वाई फोर की वैल्यू यहां से हमने स्टार्ट किया था कि इंटरपोलेशन क्या होता है उसके बाद इंटरपोलेशन चैप्टर को हमने थ्री टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन में डिवाइड किया इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला एंड इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स जिसमें आज हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के रिस्पेक्ट में आई होप इनके फॉर्मुलाज और इनपे बेस्ड क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे अगर आपको नहीं भी हुए हैं तो फार्मूलाज प्लीज एक रफ रजिस्टर बनाइए जिसमें सारे न्योमाइकिस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूला वन बाय वन लिखते रहिए क्योंकि एग्जाम टाइम पे वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एक ये छोटी सी एडवाइस है ओके okay? ये जिस भी रजिस्टर में आप आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले के फाइव सिक्स पेजेस आप ब्लैंक छोड़िए उन पेजेस में चैप्टर वाइज फार्मूला लिखते जाइए उन फॉर्मूला से ये होगा कि चैप्टर का नेम और मेथड का नेम और उनके फॉर्मूला उससे ये होगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको वो बहुत ही हेल्प करेंगे और आपको समझ में आएगा एक्चुअली कौन सा मेथड है कौन सा फॉर्मूला है क्या क्या टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं तो आप अगर अभी से थोड़ा हार्डवर्क कर लेंगे तो एग्जाम टाइम पे वो टाइम आपका कंज्यूम कम होगा ओके सो आई होप ये एडवाइस आपको हेल्पफुल रही हो सो कमेंट करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज थैंक यू